नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीकर बन इंग्लिश में। दोस्तों, लाइफ में हमें बहुत बार इन तरीकों के वाक्यों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसा कि अगर मैं कहूँ, हो सकता है वो वहाँ चला गया हो सकता है वो खेलने जा चुका हो सकता है उसने उससे बात कर ली हो। तो दोस्तों, हो सकता है इन तरीकों के शब्दों का यूज़ हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं, इन तरीकों के सेंटेंसेस को इंग्लिश में आप किस रूल के अकॉर्डिंग फॉर्म कर सकते हो और फिर आप उन्हें अपनी डेली कन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आइए गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इन तरीकों के सेंटेंसेस में दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी होती है वो ये है कि हो सकता है को आप इंग्लिश में कहते हैं मे बी। क्या कहते हैं दोस्तों? मे बी। ठीक है, अब रूल देखते हैं। मे बी आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब हैज़ और हैव पहले भी बता चुका हूँ। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आता है? हैज़। सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आ जाता है? हैव। बहुत ही सिंपल है, एग्जाम्पल से बेहतर समझेंगे। हो सकता है वो चला गया हो सकता है वो चला गया हो। मे बी ही हैज़ गॉन, मे बी ही हैज़ गॉन, मे बी ही हैज़ गॉन। हैज़ क्यों आया? क्योंकि ही क्या है दोस्तों? सिंगुलर है। ठीक है, हो सकता है उसने सबको बता दिया हो। मे बी ही हैज़ टोल्ड एवरी वन, मे बी ही हैज़ टोल्ड एवरी वन। ठीक है, हो सकता है पापा आ गए हों, हो सकता है पापा आ गए हों। मे बी फादर हैज़ कम, मे बी फादर हैज़ कम। ठीक है, हो सकता है उसने सस्ता वाला खरीद लिया हो सकता है उसने सस्ता वाला खरीद लिया हो। मे बी ही हैज बॉट चीप वन, मे बी ही हैज बॉट चीप वन। ठीक है, हो सकता है वो सो गया हो सकता है वो सो गया हो। मे बी ही हैज स्लेप्ट, मे बी ही हैज स्लेप्ट। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने सीखा कि हो सकता है इन प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में आप किस रूल के अकॉर्डिंग फॉर्म कर सकते हो और फिर अपनी आम बोलचाल की भाषा में आप यूज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ जरूर सीखा ही होगा। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।